हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। इस मौसम में काफ़ी हरी और पत्तेदार सब्जियां आती हैं और उन्हीं में से एक है बथुआ। बथुए में भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, जिससे ये बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे सर्दियों में होने वाली कई परेशानियों से बचा जा सकता है, इसलिए आज हम बथुए के पराठे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बंच बथुआ लिया है, ये लगभग आधा किलो है। मैंने इसे अच्छे से धोने के बाद सुखा लिया है। अब हम इसे साफ़ करेंगे। इसे साफ करने के लिए हम इसकी पत्तियों को तोड़कर डंठल से अलग कर लेंगे। जो इसके बीच का मेन डंठल है वो काफ़ी मोटा है और जो इसके साइड में पत्तियों से जुड़ा हुआ डंठल है वो काफ़ी पतला और कच्चा है। तो हम इसके साइड वाले डंठल को पत्तियों के समेत तोड़ लेंगे और इसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये डंठल पका हुआ और टाइट हो तो आप इसे ना तोड़ें, सिर्फ पत्तियों को ही यूज़ करें। इसी तरह से बथुए का सारा मोटा डंठल हटाकर फेंक देंगे और कच्चे डंठल को पत्तियों के समेत तोड़कर साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से सारा बथुआ साफ करने के बाद अब हमें इसे बारीक बारीक काटना है। बथुआ बहुत इजीली कट जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे काटना नहीं चाहते या टाइम कम है तो आप इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मोटी खाने वाली सौंफ और 1 टेबलस्पून घी को गरम करके इसमें डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का पीस कद्दूकस करके और कटा हुआ बथुआ डालकर इन्हें मसल मसल कर मिला लेंगे। इससे बथुए की नमी आटे में आ जाएगी और बाद में आटा पतला नहीं होगा। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से गुनगुना पानी डालेंगे और टाइट आटा लगाएंगे, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी नमी होती है और जब हम उन्हें आटे में डालकर आटा लगाते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद आटा पतला हो जाता है। इसलिए जब भी पत्तियां डालकर आटा लगाएं तो हमेशा टाइट लगाएं। अब इसे 4-5 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसे 15 मिनट रखने के बाद 1-2 मिनट के लिए फिर से गूंदेंगे और अगर आटा पतला हो गया हो तो थोड़ा सा सूखा आटा मिला लेंगे। मैंने काफ़ी टाइट आटा लगाया था, इसलिए आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। 1 मोटी रोटी जितना आटा लेंगे और दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रखकर हल्के हाथों से घुमाते हुए इसकी लोई बना लेंगे। अब इसे इस तरह से घुमाते हुए हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसके दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। आप बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़कर घुमाएं, इससे पराठे की मोटाई हर जगह से बराबर होगी। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही तवे पर डाल दें और दोनों तरफ घी लगाकर सेक लें, और अगर आप इसे लेयर्स में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस पर फिर से घी लगाएंगे और इस तरह से घी लगाते हुए सारे पराठे को फोल्ड कर लेंगे। इससे पराठे में काफ़ी सारे लेयर्स बनेंगी और पराठा बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगा। अब इसे हाथों से हल्का सा दबा लेंगे और इस पर दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। मैंने घी लगाकर जिस तरीके से इसे फोल्ड किया है उससे पराठा चौकोर बनेगा। आप जिस शेप में पराठे बनाना चाहते हैं घी लगाकर उसे उसी के हिसाब से फोल्ड करें। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे गर्म तवे पर डालेंगे। तवे पर डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे सिकने देंगे। जब तक ये एक साइड से सिकेगा तब तक हम दूसरा पराठा या चपाती बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर घर में आधे लोगों को पराठे खाने हैं और आधे लोगों को चपाती तो आप सेम आटे से दोनों चीज़ें बना सकते हैं। पराठे के बाद मैं आपको एक चपाती भी सेक कर दिखाऊंगी। पराठे का कलर ऊपर से चेंज होना शुरू हो गया है तो हम इसे पलट देंगे और इसके ऊपर घी या बटर लगाकर सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। एक साइड घी लगाने के बाद इसे पलट कर दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। पत्तेदार सब्जियों का पराठा बनाते वक्त उसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, इससे पराठा अंदर तक सिक जाता है और खस्ता बनता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा घी में सेक सकते हैं। पराठा अच्छे से सिक गया है। अब मैं आपको चपाती बनाकर दिखा देती हूँ। इसे मैंने एक ही बार बेला है, जैसे नॉर्मली हम चपाती को बेलते हैं। मैंने इसे गर्म तवे पर डालकर मीडियम फ्लेम पर सेका है
और ऊपर से कलर चेंज होने पर इसे पलट दिया है। अब ये दूसरी साइड से भी सेक गई है तो इसे तवे से उतार लेंगे और डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। आप चाहें तो इसे बिना घी के तवे पर भी सेक सकते हैं। अब इसे पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर सेक रही हूँ। आप नॉर्मली जैसे भी चपाती सेकते हैं वैसे ही इसे सेक लें। अब सेम इसी तरीके से सारे पराठे या चपाती, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, बना लेंगे। बथुए की चपाती और पराठा दोनों ही बहुत टेस्टी बनते हैं, तो घर में जिनको चपाती पसंद हो उनके लिए चपाती बनाएं और जिन्हें पराठे खाने हो उनके लिए पराठे। मैंने यहाँ पर एक चपाती बनाई है और बाकी के पराठे। बथुए के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना खस्ता बने हैं। ये देखिए, खस्ता होने के साथ साथ ये इतने सॉफ्ट बने हैं कि ये अपने आप टूट रहे हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बथुए के पराठे हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनते हैं और ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अक्सर बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां कम ही पसंद आती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह से खिलाएंगे तो वो बहुत खुश होकर खाएंगे। तो एक बार इस तरह से बथुए के पराठे बनाकर देखें और मुझे बताएं ये आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।